Hello sir, now it's time to enjoy the comedy drama. Let's welcome the students of primary section to present Hasya Adalat Express. हास्य अदालत एक्सप्रेस आते हुए आपके कौन गांव में पहुंच चुकी है। स्टेशन पर बस पहुंचने ही वाली है। आप जो कुछ भी कहेंगे सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। हो गया साहब। ये आदमी ऑर्डर ऑर्डर योर ऑर्डर कटघरे में खड़ा करने का जैसा बर्ताव कर रहा है मुझे असल में खतरनाक होने वाला है। जिसने छुरा सिंह आलूवालिया की छुरा मार कर बेरहमी से हत्या करने की कोशिश की है और ये मैं साबित करके रहूंगा। मेरा सबसे पहला गवाह है हुक्कड़ सिंह। हाजिर हो। अखिल साहब आओ। हाँ हाँ पता है। तो मेरे सवालों का सही सही जवाब देना। अब वकील है। मैं अदालत में खड़ा हूँ, काला कोट पहना है, वकील ही होंगे ना? ऐसा जरूरी नहीं हो सकता है। आप जादूगर हो इसलिए काला लंबा कोट पहना हो, जादूगर के लाल की तरह। जादूगर के लाल लाल रंग का कोट पहनते हैं और ये काला है। हाँ तो आप काला जादू करते होंगे। ऑर्डर ऑर्डर। हाँ तो आपका नाम? कुकर सिंह। चमचा पटवारी, एडवोकेट चमचा पटवारी। अरे वो किचन वाला चमचा। मेरा नाम चमचा पटवारी है। अच्छा अच्छा, वो यूपी वाली पटवारी फैमिली। मेरी फैमिली कर्नाटक में। अच्छा अच्छा, लुधियाना। मैंने कहा मेरी फैमिली कर्नाटक में, और लुधियाना कर्नाटक में नहीं है। तो कहाँ है? पंजाब में। लेकिन अभी अभी तो आपने कहा कि आपकी फैमिली कर्नाटक में है। हाँ तो मेरी फैमिली कर्नाटक में ही है। तो फिर पंजाब में है ऐसा क्यों कहा? लुधियाना लुधियाना पंजाब में है। मतलब आपकी फैमिली लुधियाना में नहीं है? कैसे हो सकती है, जब लुधियाना ही कर्नाटक में नहीं है तो मेरी फैमिली वहाँ नहीं हो सकती ना। कहाँ नहीं हो सकती? कर्नाटक में, लुधियाना में, पंजाब में। मेरी फैमिली जज साहब, मेरी फैमिली। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। फैमिली सलामत है, पंजाब में है। कर्नाटक में जज साहब। ओके ओके चुप। अब मैं आपकी फैमिली के बारे में सवाल पूछूंगा और आप उसका सही सही जवाब देना। तो आप अदालत को ये बताइए कि मिस्टर रसूली आपके क्या लगते हैं? मेरा साला वकील साहब, मेरा साला रसूली मेरी का भाई। हाँ तो कैटरर है। हाँ तो है ना, बहुत अच्छा पकाता है। हाँ सब्जी तो बहुत अच्छी काटता है। हाँ आलू तो बैगन गोभी। अरे हाँ भाई हाँ, आलू गोभी मटर। मटर नहीं, मटर तो छीलता है, वो भी ऐसे ऐसे। मलोड़ी आदमी। ऑर्डर ऑर्डर। ओए भाई मारो मुझे, जज साहब मुझे मारो। रुक जाइए जज साहब, असली मुजरिम तो यहाँ है, इस पर कार्रवाई कीजिए। हेलो खबर खाना खा के जाना हो। चलो चिंचा जी अपन चलते हैं, बड़ी बहन तो आ भी गई। हाँ चल चल। माय लॉर्ड, मिसेस चटोरी ने एक हंसते खेलते लड़के को अपनी कार से कुचल डाला है और ये मैं साबित करके रहूंगा। हे चल चल, तू ये कभी साबित नहीं कर पाएगा क्योंकि मैंने कोई हंसते खेलते लड़के को कुचला ही नहीं था। मैंने जिस लड़के को कुचला था ना, वैसे सीधा रास्ता क्रॉस करा था और खेल बिल्कुल नहीं रहा था। ना ना मिलाज कुमार, लड़का बिना देखे रास्ता क्रॉस कर रहा था। हाँ हाँ, आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आकर कहिए। ये आसे आनी आ। हाँ हाँ चटोरी भाभी। मिलाज कुमार, चटोरी भाभी ने तो हॉर्न का बटन भी दबाया था, है ना? है ना?
हाँ हाँ, लेकिन जब मैंने ऑन का बटन घुमाया ना तो वाइपर चलने लगा। अरे पन बड़ी बहन, आपने स्टीयरिंग छोड़ के ऐसे ऐसे हाथ से उस घटने का इशारा भी किया था और उसने देखा ही नहीं। हाँ? आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आकर कहिए। आ गया, मैं भी खेलने चाहनी बहन। जी अपना नंबर भी आएगा। अरे हाँ हाँ। बड़ी बहन ने गाड़ी पीछे लेने के लिए उल्टा गियर भी बदला और पीछे लड़के के पापा उड़ गए। वो भी उड़ गया। मतलब आपने? अरे इन्होंने। मैंने आपने लड़की के पप्पा को भी उड़ा दिया। लेकिन उसके हाथ पैर नहीं टूटे हो मे लॉर्ड, बस वो कोमा में चला गया हो ऐसे। और आप चुपचाप देखते रही। अरे चिल्ला नहीं सकती थी क्या? हटिए हटिए, अरे हटिए। कैसे चिल्लाती वकील साहब, कैसे चिल्लाती? एक बाजू स्कूल और एक बाजू हॉस्पिटल था। अगर चटुरी जोर जोर से चिल्लाती तो बच्चे और मरीज जिस्म नहीं हो जाते। बात तो सही है। जो कुछ भी कहना है कटघरे में आकर कहिए। ये मेरे पोती। अरे अरे ओ मिलोड, आप क्या एक के बाद एक सबको कटघरे में बुलाते जा रहे हैं? ट्रैफिक जाम हो गया वहाँ पर, हॉर्न बजाना पड़ेगा। हटो हटो। हाँ तो मुझे चटोरी, आपके पास लाइसेंस है? ये तो कैसा सवाल पूछ रहा है चौकरा, मैं अपने बाल दिन में 3 बार धोती हूँ। हाँ तो तू देख मेरे बाल में, देख है लाइसेंस, देख देख तू। मिसेस चटोरी, बालों में जो रेंगते हैं ना उसे खटमल कहते हैं। अरे बालों में जो रेंगते हैं उसे खटमल कहते हैं? एक्चुअली मेरे सर पर ज्यादा बाल नहीं है ना तो। मिसेस चटोरी, बालों में जो रेंगता है ना उसे लाइस कहते हैं, लाइस। हे चौकरम, कुछ भी मत बोला, लाइस मतलब झूठ होता है। ही इज टेलिंग लाइस। अरे चटोरी, वो लाइस होता है LIES, लाइज। अच्छा अच्छा बाबूजी, रॉन्ग है। आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आकर कहिए। हाँ हाँ, बुलाओ बुलाओ, सबको बुलाओ। हाँ आओ, आप लोग भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, आ जाओ। अरे बैठ जाइए। एक एक करके क्या सहानी बहन? अरे क्लास को बोला ना। अरे वो तो है ही ऐसे। कुछ दिन पहले इनकी बीवी का फोन आया था ये पूछने के लिए कि आज खाने में क्या खाऊंगे। उनसे भी यही कहा, आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आके कहिए, पर इनकी बीवी आई नहीं। मिसेस चटोरी, लाइसेंस मतलब आप कार चलाने के काबिल है वो साबित करने वाला कार्ड। पासपोर्ट? अरे बुक्कड़ गधे, पासपोर्ट तो विदेश जाने लगता है, उसे कहते हैं। अरे नहीं बापूजी, विदेश जाने के लिए जो लगती है ना वो टिकट होती है, टिकट। बात तो सही है। हाँ हम आधार कार्ड और राशन कार्ड लेकर गए थे एयरपोर्ट पर बोले कि विदेश जाने के लिए टिकट भी लगेगा। माय लॉर्ड, ये पूरा के पूरा परिवार ही पागल है। और इस चटोरी ने तो ये फिर से यहाँ आया हो। हाँ, और इस चटोरी ने तो अपनी लापरवाही की वजह से एक बाप और बेटे की जिंदगी खराब कर दी। बाप को मामे और बेटा अपाइज। ऑब्जेक्शन। एक्सक्यूज मी। ए पहले ठीक तो का। अरे बुक्कड़ गधे, गाओ ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता। ये मेरे सासुर है। हाँ, वो बगल में हस्बैंड, वो देवरानी। अरे हाँ ना, सब पता है। दिलकर सिंह, जब आपका वकील आपको क्रॉस एग्जामिन करेगा ना तब। एग्जामिन मतलब? मिसेस चटोरी, एग्जामिन तू नहीं हो। एक मिनट वकील साहब, मैं समझाता हूँ। एग्जामिन चटोरी, मैं तो और वसूली को एक बार दुकान मालिक ने बाहर फेंक दिया था। दुकान मालिक ने क्या कहा था? उसने कहा था दोनों को बाहर फेंक दो, एक को आसमान में, एक को जमीन पे। एक आसमान, एक जमीन, एक जमीन, एक जमीन। अच्छा अच्छा, एक जमीन, एक जमीन। मैलोन, इनको फांसी दे दो। हाँ दे दो दे दो, हम सबको फांसी दे दो। पीछे वो बाप बेटे जिनको बड़ी बहन ने उड़ाया ना, उनको जाकर बोलो हमारा मकान भी ले ले, 10 करोड़ रुपए जो बीमा कंपनी से मिले ना तो मौज मजा कर ले। 10 करोड़? हाँ। और हम जब अस्पताल गए ना, उसका बाप कोमा में था फिर भी दौड़ कर डॉक्टर के पास आया। उसने डॉक्टर से कहा कि मेरा बेटा फुटबॉलर है, बढ़िया केस बनाइए उसका, 10 करोड़ का बीमा है उससे। अगर आपने उससे ऐसा कहा, उसका पैर पूरी तरह से टूट चुका है तो 50 लगा आपके।
ने बधाई भी दी तो चलो 10 करोड़ तो मिले आपको। बेटा जो फुटबॉल खेल रहा था ना बिस्तर पर लेट गया, थैंक यू भी नहीं बोला हमको। आपने तो बोला कि वो भी, अरे वो जो कोमा में था ना इसलिए शायद उसने सुना नहीं, खाली हमको देख रहा था आगे फाड़ फाड़ के ऐसे। अदालत का वक्त खत्म हो चुका है, अब इस केस की अगली सुनवाई फरवरी 2025 में की जाएगी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, हौसला रख, जब बेइज्जती है। अरे रुक जाइए, अरे काले, अरे रुक जाइए,